तो मेरे दोस्तों, इसके पहले वीडियो में तो हम लोगों ने एक बहुत ही भारी स्क्रिप्ट लिखी थी कि फॉलो हो रहा था, अनफॉलो हो रहा था, बहुत सारे एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो रहे थे, सबको हैंडल किया, बहुत मजा आया। इस वीडियो में और मजा करेंगे। तो ये हमारा पार्ट टू है इंस्टाग्राम ऑटोमेशन का। इसमें भी अपन कुछ कुछ मजेदार चीजें करेंगे। तो ठीक है, तो चलो, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है तुम लोग का जबरदस्त इंस्टाग्राम ऑटोमेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट के सीरीज में। तो यहाँ पे अपन आप सर्च करते हैं, जैसे कि मैं आज इमेजेस को ऑटोमेट करने का मेरा मन कर रहा है, मेरे को कोडिंग से रिलेटेड इमेजेस देखने हैं। ठीक है, सो लाइक अगर मैं हैशटैग से सर्च करता हूँ, ओके, सो मेरे को कोडिंग से रिलेटेड इमेजेस दिखा रहा है। आहा, तो मैं जानता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ इमेजेस के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइड शो चले, अपने आप इंस्टा इमेजेस चेंज होते रहे। ठीक है, तो ऐसे स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट में। सो ये इमेजेस है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बटन आता है, इसको स्क्रीन को थोड़ा अगर मैं बढ़ा पाऊंगा तो सो यहाँ पे बटन है, देख सकते हो। ऐसे बटन पे क्लिक करने से अपने को नेक्स्ट इमेजेस मिल रहे हैं। ओके, लर्न पाइथन इन वन डे एंड लर्न वेल, ओके ब्यूटीफुल, ऑसम स्टफ, क्या सेटअप है, मस्त रिकॉर्डिंग कर रहा, नाइस स्टाइल। ओके, सो मैं ये सब कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं कोडिंग से रिलेटेड। तो मैं इस बटन को इंस्पेक्ट करता हूँ, ऑटोमेट करेंगे अपन इसको। और यहाँ पे अपने को देख सकते हैं कि ये लिंक है, जो कि लिंक तो हमेशा क्लिकेबल होती है, तो अपने को क्लिक मेथड होगा इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ से भी सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे होवर करूंगा तो ये सेलेक्ट हो रहा है। ओके ओके देन सो इसको पकड़ते हैं, इसको कहाँ गया, इंस्पेक्ट कर फिर से। ओके हाँ ठीक है, इसकी जो क्लास दी हुई है इसको पकड़ते हैं, कंट्रोल सी पकड़ लिया मैंने। अब चलते हैं कंसोल पे, अपने कंसोल पे इसको ऑटोमेट करेंगे। स्क्रीन बहुत छोटी है आज। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, स्क्रीन बड़ी कर दूं क्या मैं थोड़ी सी, क्या अगर मैं इस साइड इसको व्यू करूंगा तो एरो फंक्शन हम लोग को नहीं दिखेगा। दिख रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके दिख रहा है, ऑसम स्टफ, ऑसम ऑसम। ओके सो इसको अपने को क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, डॉक्यूमेंट देखते हैं, DOCU, अरे DOCU डॉक्यूमेंट से मेरे को गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्लास से पकड़ूंगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं पास कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था, कंट्रोल वी। ओके, और देखते हैं हम लोग को क्या रिजल्ट मिल रहा है। ओके सो एक हम लोग को मेरे ख्याल से एरे रिटर्न कर रहा है, जिसमें कि एक ही है एरे में एलिमेंट, एक ही एलिमेंट एरे में जो कि है क्लिक क्लिकेबल है। ओके ऑसम स्टफ, ऑसम। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इसका जीरो एलिमेंट जो एक ही है, जीरो एलिमेंट को ऐसे करके पकड़ते हैं उसमें, अरे और जीरो एलिमेंट ऐसे, और डॉट क्लिक मैं उसमें लगा देता हूँ मेथड, और ऐसे पेरेंथेसिस, बूम एंटर करते हैं वो, ऑसम स्टफ। फिर से लिखता हूँ स्क्रिप्ट में एंटर, ऑसम, फिर से लिखता हूँ एंटर, ऑसम, मजा बात। ये क्या कर रहे हैं, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट मैरिड टू अनदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन दिस हैपेंस, ऑसम, एक नंबर। ठीक है, सो मेरे को एक स्क्रिप्ट चलानी है, मेरे को शुरू के 10 फोटोज देखने हैं, कैसे करेंगे तुम लोग, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। ठीक है, तो होपफुली तुम लोगों ने कोशिश की होगी, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो तुम लोग बोलोगे कि भाई, तो पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ मेरे ख्याल से कंसोल को। तो तुम लोग बोलोगे कि भाई अपन फॉर लूप यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर लूप यूज कर सकते हैं, और उसमें अपन लिखते हैं लेट आई इक्वल टू जीरो, ओके, और आई इज लेस देन कितना, 5 देखें, चलो 5 तक के देखते हैं, जी है ना, 0 से लेके 4 तक के चलेगा, 4 देखना चाहिए, आई प्लस प्लस, ओके, और यहाँ पे ऐसे पेरेंथेसिस, और मैं शिफ्ट प्रेस एंटर करता हूँ क्योंकि मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता। और यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि जो हम लोगों ने लिखा था स्क्रिप्ट, क्या लिखा था, हट गया वो स्क्रिप्ट ही चले गया एक्चुअली में, शिफ्ट प्रेस एंटर। तो फिर से लिख लेते हैं DOCUMENT, DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट DOCU, ओ नहीं लिखा है मैंने तभी, ओ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसमें मैं जो कॉपी किया था क्लास, इस कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसका जो जीरो एलिमेंट था ऐसे करके यहाँ पे मैं डॉट क्लिक लगा दूंगा। तो तुम लोग बोलोगे कि मेरा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, ना 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 ना, क्योंकि देखो ये जो है अपने को क्लिक करना, क्योंकि अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले बताया था, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन, अपन क्लिक कर रहे हैं, सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके बाद इमेज चेंज हो रहा है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा रीलोडिंग टाइम, अगर नेट स्लो होगा तो मेरे को लोडिंग टाइम दिखेगा, उसके बाद इमेज आएगी, लोडिंग टाइम नहीं दिख रहा है, मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है क्योंकि, तो उसके बाद इमेज आए, एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो जब तक दूसरा पेज लोड हो, जब जब लोड हो जाएगा तभी अपन ये फिर से चला सकते हैं, है ना,
एक बार क्लिक किए, उसके बाद पेज लोड के लिए थोड़ा वेट करेंगे, फिर से इसको क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक टाइम आउट से अपना काम हो जाएगा क्या? पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने इतना हैवी स्क्रिप्ट लिखा था, तुम लोग वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अरे नहीं एक्स्यू, ओके। सो लाइक यहाँ पे अगर मैं लाइक शिफ्ट प्लस एंटर करूँ और यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज करने की कोशिश करते हैं, सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कुछ इंटरवल के बाद फायर करता है। सेट पे दो टाइप के आर्ग्यूमेंट रहता है, पहला है कि एक फंक्शन फायर करेगा और ऐसे लिख दें उसको, और शिफ्ट प्लस एंटर, इस फंक्शन में मैं ये पास कर लेता हूँ, ये जो है कुछ इंटरवल के बाद ये फायर होगा, कितने इंटरवल के बाद, मैं 2 सेकंड दे देता हूँ उसको, 2 सेकंड, ओके। क्या चलेगा, क्या लगता है तुम लोग को, एंटर प्रेस करते हैं सिर्फ एक ही बार चलेगा मेरे ख्याल से, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड याद होने के बाद एक ही बार चेंज हुआ। अब क्या हुआ ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो इंस्टेंटली एकदम फटाक से, जैसे मैंने लिखा फटाक से चल गई, ठीक है। उसके बाद सेट टाइम आउट कॉल हुआ 5 बार या 4 बार, 0 से लेकर 4 तक के 4 बार कॉल हुआ, बट चारों को एक ही इंटरवल दी हुई है, 2 सेकंड बाद चारों के चारों फटाक से कॉल हो गए, तो अपने को एक ही बार दिख पाया है ना। तो अपन चाहते हैं कि 5 बार चले, तो अपने को इस इंटरवल को बढ़ाना पड़ेगा, मेकिंग सेंस, तो बढ़ा लेते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वैसे तो बहुत हैवी स्क्रिप्ट लिखी थी, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं, क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सो, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, सपोज करो var, और var inc well, इंक्रीमेंट वैल्यू, इनिशियल वैल्यूज की दे देते हैं 2000, ओके। और यहाँ पे इंक्रीमेंट inc वैल्यू लिख देंगे, incval, और यहाँ पे INC वैल को फाइनली अपन क्या करेंगे, INC वैल को अपेंड कर देंगे INC वैल को 2000 से। तो बार बार अपने को क्या होगा, लाइक 2000 बार प्लस इक्वल टू 2000, ओके। सो बार बार क्या होगा, अब ये जो वैल्यू है 2000 बार, लाइक 2000 ऐड होते रहेगा, और उसके बाद ये एक एक करके कॉल होगा, है ना, दो दो सेकंड वेट करके ये फंक्शन को फायर करेगा, है ना। सो उसको रन करते हैं, स्क्रिप्ट को होपफुली चलना चाहिए, ऑसम। देखते हैं अब, 1 2 चला, 1 2 चला, 1 2 चला, ऑसम ब्यूटीफुल, तो मजा आ रहा है। तो ऐसे 4 बार चलेगा, है ना, 4 बार चला ना, ओके। सो अभी मेरे को नहीं लगता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें दिखा रहा है मेरे को, फिर से करूँ, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है पाइथन, अच्छा फिर से एक बार चलाऊंगा, ओके एंटर, ओके ऑसम, 2 सेकंड बाद ऑसम, 2 सेकंड बाद ऑसम ब्यूटीफुल। तो मेरे को ये 4 इमेजेस दिखा रहा है, ऑसम स्टफ। अब यहाँ पे तुम लोग को दूंगा मैं होमवर्क, तुम लोग को क्या करना है, ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जैसे कि मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइक करो तुम लोग या अनलाइक करो, दिखना चाहिए ना, लाइक अनलाइक दोनों हो जाना चाहिए, तो इससे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि तुम लोग किसी लाइक, एक बार लाइक होगा, एक बार अनलाइक होगा, फिर से नेक्स्ट होगा, फिर लाइक होगा, अनलाइक होगा, फिर नेक्स्ट होगा, ऐसी स्क्रिप्ट तुम लोग को लिखनी है। तो ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है। सो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत मजा किया हम लोगों ने, नेक्स्ट वीडियो में भी मजा करेंगे, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट।